ये जो आपने अभी देखा, ये मेरा खेत है और इसका भी कटाई किए हुए भी तीन दिन हुए हैं, और ये भी दो चार पाँच दिन अभी और ये रहेंगे। उसके बाद जो मजदूर इसकी जो कटाई किए हैं वो खुद आएंगे, इसको पुलिया बांधेंगे और उसके बाद जो है फिर इसको ले जाकर ले जाएंगे और उसके बाद पिटाई करवा करके इसको घर में ले जाएंगे। मैं प्रदीप कुमार, ग्राम सहोरा, फतुहा प्रखंड के अंतर्गत पटना जिला से मैं बोल रहा हूँ। अब मैनुअली जो कार्य हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें मजदूर से जो काम होता है, धान का कटाई से लेकर के धान का हम लोग जो अटियोनी करवाते हैं, सुखाने का जो टाइम लगता है, उसमें मैनुअली में जो होता है कि 20 से 22 आदमी प्रति एकड़ कटाई में लगता है, और कटाई के बाद जो है इसको सूखने के लिए हम लोग छोड़ते हैं। तो सूखने का जो टाइम है, जो अगर मान लिया जाए अगर सूखा हुआ है तो एक सप्ताह का टाइम लगता है, अगर थोड़ा हरा है तो 10 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद उसको अटिया बनवाने में हम लोगों को 20 से 22 आदमी लगता है, और ढुलाई में भी 20 से 22 आदमी लगता है, और इस तरह से हम लोग अटिया बनवाते हैं। तो इस अटिया बांधने में जो है वही टाइम हम लोग को 15 से 22 लेबर लग जाते हैं। एक प्रति एकड़ जो है 125 व्यक्ति इसमें लगता है। तो इसके बाद जो है इसको पीटने में पर डे हम लोग 4 आदमी अगर रखते हैं तो इसमें 24 आदमी लगता है, जिसका समय 6 दिन होता है, और यह एक एकड़ में हम लोग का 7,500 अटिया होता है। नमस्ते, मेरा नाम मंगलेश्वर पांडे है, ग्राम सहोरा, जिला पटना, फतुहा। इस गांव के बासी हम हैं। ये 2 बरस से ट्रैक्टर हम लोग लिए हुए हैं, थ्रेसर। पहले जब थ्रेसर हमारे पास नहीं था तो धान काटते थे और खेत में परुई लगा देते थे, तो कम से कम 7 दिन 8 दिन परुई खेत में रह जाता था, खेत का नमी भाग जाता था, इससे बुआई नहीं हो पाता था। जब परुई हटाते थे उसके बाद खेत को पानी देते थे, खेत तैयार होता था तब लगाते थे। इससे क्या होता था कि फसल हमारा लेट हो जाता था, और जब से थ्रेसर आया तब से तुरंत कटनी काटते हैं और इसमें झोंक देते हैं, और खेत में नमी रहता है तुरंत उसको बुआई कर देते हैं। जैसे पानी देने से हम बचे और समय का बचत हुआ और फसल आगे लगाए, 1 हफ्ता जल्दी मेरा खेत लग गया। ट्रैक्टर में हमारा एकदम नाम मात्र के लागत आता है, और ऐसे मजदूर से जब हम पिटाई करते थे तो 10-12 मजदूर मिल करके 1 बीघा 1.5 बीघा 1.5 बीघा लोग तैयार करते थे। इससे हमारा हो जाता था 1.5-2 महीना तक पिटाई में हम लोग अझुराए हुए रह जाते थे। 4 आना इसमें अथी फायदा है और 12 आना हमारा क्षति होता था मजदूर से। क्षति ये है, मजदूरी कॉस्ट ज़्यादा, काम कम निकलता था, और गाड़ी ट्रैक्टर रहने से मेरा काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ढेर किसान लोग आते हैं, उन लोग भी इच्छुक हैं कि इसी सिस्टमेटिक से हम लोग भी चलें। नमस्कार मंगू चाचा। नमस्कार प्रदीप बेटा। नमस्कार नमस्कार। कैसा थ्रेसर चल रहा है चाचा? हमारा थ्रेसर बहुत बढ़िया चल रहा है। धान का काम अच्छा से हो रहा है ना? पिटाई उटाई कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। दाना ना बढ़िया झड़ रहा है ना? बर्बादी उर्बादी नहीं नहीं ना? अरे हमारा तो काम धान पिटाई नहीं रहा है, हमारा कम में फंसा हुआ है। ठीक है, हमारे काम हो जाने के बाद हम थ्रेसर देंगे। अच्छा ठीक है, मौका मिले तो एक बार दीजिएगा। ठीक है, देंगे। ठीक है तब।